गाइस, मैं हूं फेनल उमरिगर और आप लोग मुझे देख रहे हैं हर जिंदगी पर। आज मैं विंटर्स में फंक्शन के लिए आप किस तरह से मेकअप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल येट एलिगेंट, मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूं। पर एक मिनट, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं ये यूज करूंगी सीरम, विच इज लाइक अ मॉइस्चराइजर विच गिव्स अ ग्लो विंटर्स में स्पेशली, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए मैं ये यूज करूंगी। तो इसको हम ले लेंगे थोड़ा सा, अप्लाई इट ऑन माई फेस। बहुत ही स्मूथली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में, और विंटर्स में तो हमारी स्किन हालांकि ड्राई रहती है, तो उसके लिए हर मेकअप से पहले प्राइमर या मॉइस्चराइजर का लगाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है ताकि वो जो आप कंसीलिंग करते हो फेस पे वो आपके फेस पे बैठ जाए। मैं यूज़ करूँगी हल्का सा डार्क शेड, मेरे फिंगर्स पे, मैंने टिप्स पे ले लिया है, और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़े स्पॉट्स हैं वहाँ पे मैं ये वाला बेस लगाऊंगी, जिससे मेरी स्किन पे जो स्पॉट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। आफ्टर दिस आई बी यूजिंग द कंसीलर विच सूट्स माई फेस। कंसीलर का हर तरह का शेड होता है, किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। आई यूज द शेड नंबर 30 विच इज फ्रॉम शुगर। ये जो है इसको मैं कटिंग बोलती हूँ, जिससे हम नोज कट और चीक बोन्स पे जो कटिंग है वो देते हैं। सो नॉर्मली आई जस्ट यूज माई फिंगर टू ब्लेंड इट, बिकॉज आई एम नॉट मोर ऑफ यू नो यूजिंग दैट स्पॉन्ज और जिससे हम मेकअप लगाते हैं, मैं वो यूज़ नहीं करती उतना ज़्यादा, तो मैं फिंगर से ही अपने फेस पे जो कटिंग मैं करती हूँ उसको मैं ब्लेंड कर देती हूँ। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है मेरे पास, एक ट्रांसल्यूसेंट है जिससे मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। ब्लश ऑन, आई एम यूजिंग द शेड पिंक। विंटर्स है तो हम ज़्यादा हैवी आई शेडो नहीं करेंगे, हम थोड़ा न्यूड शेड में जाएंगे। उसके लिए मैं ये वाला शेड यूज करूंगी विच इज अ पीची येलो। Again, I'm blending it with the help of my finger only. People who are comfortable can either use a brush as well. क्योंकि मुझे ज़्यादा heavy eye shadow करना वैसे personally भी नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं जब भी कोई function में जाती हूँ तो मैं कम ही eye shadow हो ऐसा prefer करती हूँ। But it's completely your choice. अगर आप लोग अपने eyes को थोड़ा heavy बनाना चाहते हो तो आप थोड़ा heavy eye shadow जैसे कि copper हो गया, rose gold हो गया, आप कुछ भी कर सकते हो। Now it's time to shape my eyebrows. I will not use a liner because I am less of a liner person. So what I'll do is I'll apply kajal instead of the liner. And just blend it with my finger again. Exactly smoky look तो आप नहीं कह सकते, but थोड़ा बहुत smoky feel आ जाएगा। You can try this because कुछ कुछ लोग होते हैं कि जिनकी liner ढंग से नहीं लगती मेरे जैसे, तो वो लोग काजल का यूज कर सकते हैं, एंड आई थिंक दैट इट रियली लुक्स वेरी सिंपल एंड क्लासी। फाइनली द मस्कारा। नाउ आई बी यूजिंग दीज थ्री थिंग्स। सो फर्स्टली इट्स अ लिप लाइनर, सॉरी फॉर द चैप्ड लिप्स, विंटर्स कांट हेल्प इट। And yes, I think I am done with the makeup. So guys, I hope कि आप लोगों को मेरा ये विंटर का मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। और भी कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पर मेरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं। मेरी और भी कई वीडियोस हैं हर जिंदगी चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके उस लिंक पर क्लिक करिए एंड चेक आउट सम अमेजिंग वीडियोस। बाय।